तो अब इस मौके पर एक और बात आपको दिलचस्प सुन रहा हूं, वो क्या कि कहते हैं वो जी नबी करीम अलैहिस्सलाम हुदैबिया में जिस दरख्त के नीचे जाके बैठे थे, बैत ली थी, लोग उसे मुकद्दस जगह समझ के वहाँ लोग नफिल वगैरह पढ़ने लग गए थे, तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने वो दरख्त कटवाया था। इससे पता चला कि ऐसे मुकामात पर बाबरकत समझ के कोई इबादत करना अज़ किस्मे शिरकियात है। इंसाफ से दोस्तों, मुझे ये पता है मेरी तकरीर के दौरान हर मजहब का आदमी आता है, लेकिन दिल आजारी किसी की मेरा मकसूद नहीं है। आदमियत एहतराम आदमी, बाखबर छो अज मकाम आदमी, किसी इंसान की हतक में नहीं करना चाहता, बात समझाना चाहता हूं। अगर मेरी बात रिकॉर्ड पर ना निकले मेरे साथ बात करो, अगर बात में निकाल के दे सका मैं सुरखरू हूं, अगर ना निकाल सका माफी चाहूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं कि जिद से कहूंगा मैंने दूध को काला कह दिया ये काला ही है, नहीं, मैं एक अल्लाह ताला का आजिज बंदा हूँ, खुदा को खुदा तस्लीम करता हूँ, उसके रसूल को रसूल तस्लीम करता हूँ, और मजहब आल हक आल सुन्नत वाल जमात को बिजमी अज्जाई हक समझता हूँ, और ये अल्लाह के जुमरे की सच्चाई पर पूरा यकीन रखता हूँ। इसलिए मेरी तबीयत में ये जौक नहीं है। जब ये कह दिए शिरकिया मामला है, आपसे नहायत अदब से पूछूंगा कि दरख्त के नीचे बैठ के बैत लेना तो बुखारी से साबित है, काटना किस किताब से साबित है? क्या बात, बात ख्याल जी में आ रही है। इसकी कोई वजह नहीं कि आप एक ही वक्त में वो सबूत पेश करें जो वैलिड है, वो सबूत पेश करें जो इनवैलिड है। हम ये पूछना चाहेंगे जो दरख्त के नीचे बैठ के बैत लेने का सबूत है वो तो बुखारी के अंदर मौजूद है, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी रावी हैं, और कोई 1400 के हेर फेर में सहाबा के नाम वो गवाह हैं, बैत लेना तो उनसे साबित है, लेकिन ये दरख्त का काटना कितने बंदों से साबित है और वो किस किताब से साबित है? पहले दरख्वास्त करूंगा एक मेहरबानी करें। दूसरे ही साल गए थे ना उमरतुल कजा के लिए, छठे साल में बैत ली थी, सातवें साल में उमरतुल कजा के लिए गए थे, उस वक्त मैदान हुदैबिया से गुजरे हैं, उस सरकार ने क्यों नहीं कटवाया? शिर्क का ज्यादा बेहतर इल्म सरकार को हो सकता है, फारूक आजम को हो सकता है, अगर वो होता तो फिर बुखारी में उसका सबूत होता ना। जिम्मेदारी से कहता हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं करता, पढ़ा के कहता हूँ, खुद अपनी आंखों से वो सारा मुताला किया है, कहीं काटने का सबूत नहीं है। कुतुब सियासता में है, जहां तक मेरा मुताला है सियासता में नहीं है। हमें कहते हो सरकार के गायब का सबूत सियासता से लाओ, हम तो उसमें सियासता से भी ला के दे चुके हैं, लेकिन हमारे लिए पाबंदी सियासता की है, अपने अटकल पचुओं के लिए तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है, है? ये कहां लिखा हुआ है? ये तबकात इब्ने साद में है। तबकात इब्ने साद किस फन की किताब है? हदीस की किताब है, तारीख की किताब है। तो बताओ तारीख हदीस की मुजाइम वाकई हो सकती है? नहीं हो सकती है। दरख्त के कटवाने का मामला तबकात इब्ने साद में है, दरख्त के नीचे बैठ के बैत लेने का मामला बुखारी में है, जिस दर्जे का वो मामला उस दर्जे का सबूत लाएं। अच्छा, वो कहें कि अगर हदीस खामोश हो तो तारीख के जरिए से भी खबर को साबित किया जा सकता है, हम ये कहेंगे बुखारी का मतन। वो कहेगा दूसरी मर्तबा हम जब कजा के लिए गए उमरतुल कजा के लिए, हमने 1400-1500 बंदे ने मिलके वो दरख्त तलाश करना चाहा, वो जगह तलाश करना चाहिए, हमसे नहीं मालूम हो सकी। यार दूसरे ही साल जिनको वो 1500 को वो जगह मालूम नहीं हो सकी, वो हिजरत के 15वें साल में फारूक आजम को काटने के लिए किसने उसकी निशानदेही होगी? समझ आ गई बात? बच्चों से बात करो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सिविल लॉ में ये केस चले, आपको मौका का नक्शा आपसे पटवारी को कहें मेहरबानी करके नक्शा बनवा के लाओ, तो पटवारी पर ये एतराज किया जाए ये मामला हुदैबिया का है, 1500 आदमी मौके का गवाह था, उनमें से किसी एक की शहादत लाओ के काटा गया था? हजूर के जमाने में नहीं काटा गया, शिर्क होता तो सरकार कटवाते, फिर उससे हजूर के बाद सबसे ज्यादा तौहीद का इल्म हजरत सिद्दीक अकबर की जात पाक को है, जो सारी उम्मत मुस्लिमा का सरताज है, उनको पता होता
उन्होंने क्यों नहीं कटवाया? फिर फारूक आजम को पता किस तरह चला कटवाया किस तरह है? जहाँ तबकात इब्ने सादर ये बात की है वहां अगली बात भी की है। कितनी बदयांती है कि बात को अधूरा करके लोगों के अकायद में रखने डालते हो। किस्सा असल में ये हुआ कि फारूक आजम ने देखा कभी एक दरख्त के पास खड़े होकर पढ़ते हैं कहते हैं ये वो सरकार वाला दरख्त, कभी दूसरे दरख्त के पास खड़े होते हैं कहते हैं ये सरकार वाला, कभी तीसरे दरख्त के पास, कोई दरख्त नहीं छोड़ा, हर एक दरख्त का ये सरकार वाला दरख्त है। हजरत फारूक आजम ने कहा कि झूठी नस्बत को मैं नहीं चलने दूंगा। आई बात ख्याल में?